जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि की, यानी तुला राशि वालों के लिए जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 26 अगस्त को, 26 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक जो बुध का गोचर रहेगा उनकी अपनी स्वराशि कन्या राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि वालों पर, इसकी बात करेंगे। तो तुला राशि वालों में बुध पंचम भाव और बुध नवम भाव और बारहवें भाव के स्वामी हैं, और शुक्र की तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो नवम भाव और बारहवें भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव में गोचर होगा तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं। तो शुक्र भी 6 सितंबर तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, और कन्या राशि बारहवां भाव है तो आपके राशि स्वामी और आपके नवमेश और द्वादशेश एक साथ में युति में रहेंगे 6 सितंबर तक बुध और शुक्र। ज़्यादा शानदार युति नहीं रहेगी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बारहवें भाव में होंगे, आपके भाग्य भाव के स्वामी बारहवें भाव में होंगे, आपके अष्टम भाव के स्वामी बारहवें भाव में होंगे और बारहवें भाव के स्वामी भी खुद बारहवें भाव में होंगे, यानी बुध नवे और बारहवें भाव के स्वामी, शुक्र राशि स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। तो इस समय पर आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका कोई विदेश से जुड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, तो उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा आपको, उसमें भाग्य का साथ भी मिलेगा, और कोई विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, और वैसे भी कोई व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है आपकी इस समय पर 6 सितंबर तक। बाकी खर्चों की अधिकता रहेगी, तो इसलिए आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, चाहे व्यापार में हो चाहे घर परिवार में हो, खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी आपके अपने ऊपर या आपके जीवन साथी पर या आपके परिवार में किसी पर भी आपको स्वास्थ्य के लिए खर्च करना पड़ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 6 सितंबर तक। उसके बाद आपके राशि स्वामी अपनी ही राशि तुला राशि में शुक्र चले जाएंगे 6 सितंबर के बाद, और 22 सितंबर के बाद बुध वहाँ पर जाएंगे। तो 6 सितंबर के बाद यहाँ पर मंगल और 15 सितंबर के आसपास सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे कन्या राशि में, तो इस तरह का कुछ गोचर होगा। तो नौवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं, तो उनके बारहवें भाव में गोचर है, तो इस समय आपको यात्रा ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। और लेकिन जो अगर पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल रहेगी और यात्राओं से लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं या कोई लंबी यात्रा करते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, और अगर आपका कोई यात्रा से जुड़ा कारोबार है, जैसे पर्यटन टाइप का कोई कारोबार है, तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और दूसरे तरह के जो व्यापार कारोबार हैं उनकी भी यात्राएँ हो सकती हैं, पर वो इतनी अच्छा परिणाम नहीं देंगी आपको, उसमें आपकी व्यर्थ की यात्रा भी साबित हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं या किसी ऐसी कंपनी से करते हैं जो विदेश से पैसा कमाती है, विदेश से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो आपका विदेश से जुड़ा हुआ है और विदेश से आप व्यापार करते हैं, विदेश से पैसा कमाते हैं, तो इस समय आपके लिए भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य आपका चमक सकता है और आपके लिए आय अच्छी हो सकती है, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके यात्रा में भी मिल सकते हैं और आपके कार्य व्यापार में भी मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए परिणाम अच्छे नहीं होंगे, उनके व्यापार कारोबार में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं उनके लिए साबित हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है, इस समय वो अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका काम हो सकता है और इस समय उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, और जहाँ वो एडमिशन चाहते हैं उनका वहाँ एडमिशन भी हो सकता है। और अगर इस समय आप कोई लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना चाहेंगे इस समय आप और कर तो अगर कोई लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको बाद में लाभ देगा, और आप कोई दान पुण्य के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में भी भाग ले सकते हैं, उसके धर्म कर्म के कार्यों में भी आप कभी ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, इस समय ऐसा योग है। और किसी तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं, लंबी यात्रा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपके पिता के स्वास्थ्य को कुछ दिक्कत हो सकती है, उस पर खर्च हो सकता है, क्योंकि बारहवें भाव में हैं नवम भाव के स्वामी, और पारिवारिक जीवन में पिता को कुछ स्वास्थ्य समस्या तो हो ही सकती है, तो ये ध्यान रखने वाली है। परिवार पिता जैसे किसी व्यक्ति की, बुजुर्ग की दिक्कत हो सकती है,
तो ऐसी कोई समस्या होने पर आप डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें, क्यों खर्च बढ़ने की संभावना तो बहुत ज़्यादा ही रहेगी इस समय पर। और अचानक आपका परिवार के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर या अपने ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है। वैसे भाग्य मजबूत रहेगा, कोई बीमारी वगैरह पहले से है तो वो दूर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की बात करें तो बुध के कन्या राशि में गोचर के दौरान आपके घर में तुलसी का पेड़ है तो आप तुलसी पे नियमित रूप से जल दें और शाम को आप तुलसी के समीप ही घी का दीपक जलाएं। और हो सके तो बुध रोजाना 26 अगस्त से 22 सितंबर तक रोजाना गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ करें, नहीं तो बुधवार वाले दिन अवश्य कर लें, लाभ मिलेगा। और प्रत्येक बुधवार को जब तक 26 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और मूंग का दान गरीबों में कर सकते हैं या हरी मूंग भी गाय को भी खिला सकते हैं। तो इस तरह कोई भी उपाय इनमें से कर सकते हैं मित्रों, आपको लाभ मिलेगा। और बुध के गोचर के क्या परिणाम हो सकते हैं तुला राशि वालों के लिए, इसके बारे में कुछ चर्चा की। बाकी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी जो वर्तमान दशा और अंतरदशा चल रही है और ग्रहों के गोचर के हिसाब से इस राशिफल में भिन्नता आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।